न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। घरेलू कलह से तंग आकर महिला ने लगाई आग, इलाज के दौरान हुई मौत। एसएसपी ने कहा 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर की जा रही है विधिक कार्रवाई। गेहूं की फसल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। सीओ बासगांव नितेश सिंह ने कहा नहीं हुई कोई जनहानि। 15 अप्रैल को 102 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। 5,727 परीक्षार्थी होंगे शामिल, सुरक्षा के हैं व्यापक इंतजाम। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई दिव्यांग मतदाताओं को पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाने संबंधित बैठक। डीएम ने कहा कि कोई भी दिव्यांग पात्र मतदाता मतदान से न होने पाए वंचित। चंपा देवी पार्क में राइस एक्सपो व्यापार मेला का विधायक फतेह बहादुर सिंह ने किया उद्घाटन। मेले में देश विदेश की कंपनियां ले रही हैं भाग। कस्टम विभाग की टीमों का साहेबगंज में छापा, मची अफरा तफरी। बंद हुई दुकानें, पान मसाला और तमाम इस तरह की दुकानों पर कस्टम विभाग ने की कार्रवाई। मामला उत्पाद कर चोरी का। सीडीओ की अध्यक्षता में संपन्न हुई मतदाता जागरूकता संबंधित बैठक। शनिवार को निकलने वाली रैली को सफल आयोजन की बनी रणनीति। जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने क्राफ्ट कटिंग के माध्यम से लिया जनपद में गेहूं की पैदावार की जानकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेंकटेश्वर लू के कार्यक्रम स्थल का सीडीओ सहित अन्य अधिकारियों ने लिया जायजा, तैयारियों को समयानुसार पूरा करने के दिए निर्देश। 5 सूत्री मांगों को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष बीएसएनएल कर्मियों ने किया प्रदर्शन। कहा वापस हो वीआरएस प्रस्ताव, मिले बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन के उपयोग और निस्तारण के प्रति जागरूकता के लिए जिला महिला चिकित्सालय में कार्यशाला का प्रमुख अधीक्षक ने किया शुभारंभ। चैत नवरात्रि की अष्टमी पर बुढ़िया माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, देवी माँ का दर्शन करने पहुँचते हैं दूर दूर से भक्त। और अधिवक्ता और पूर्व विधायक स्वर्गीय अवधेश कुमार श्रीवास्तव की स्मृति में आयोजित हुआ संविधान के मूल कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी विषय पर व्याख्यान। अधिवक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार।